झिन्या विकासखंड मुख्यालय पर 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ हुआ। जिला खेल अधिकारी पावी दुबे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशन में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिन्या के खेल मैदान पर 25 मई से 26 मई तक 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ हुआ, जहां प्रातः 6 बजे से 8 बजे और खेल विद्या का प्रशिक्षण दिया गया। आर्चरी खेल विद्या का प्रशिक्षण मुसलिन शेख, व्यायाम शिक्षक उत्कृष्ट स्कूल, एथलेटिक्स और प्रशिक्षण आशीष गुप्ता विकासखंड कोच द्वारा दिया गया। झिन्या से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर ये संचालित हो रहे हैं। इसका पर्पस यही है कि बच्चों को जो है एक अपने छुट्टियों के दिनों में खेलने का एक अवसर मिले, उन लोगों को जो है अपने अपने गेम को, स्किल्स को आगे बढ़ाने में योगदान हो, इस तरीके से इसका चलेगा। ये 25 मई से 26 जून तक का शिविर है। और इसमें कितने लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है? इसमें हम वैसे तो हर ब्लॉक पे ही दो दो गेम आयोजित हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ आज झिन्या विकास खंड पर 30 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और कौन कौन सी इसमें गतिविधियाँ कराई जा रही है? इसमें एथलेटिक और आर्चरी दो खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बच्चे यहाँ वैसे तो लगभग सारे गेम के हैं, लेकिन स्पेशल जो प्रशिक्षण है वो एथलेटिक और आर्चरी का दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं यहाँ पर विकास खंड से कोऑर्डिनेटर हूँ खेल एवं कल्याण विभाग से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल